छिंदवाड़ा आज टीएलएम कंपनी के ठेका कर्मचारी लगभग 20 से 25 लोगों द्वारा खजरी रोड स्थित एमपीबी कार्यालय में एसई एमपीबी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश महोदय के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी। 20 से 25 कर्मचारी सभी सन 2018 से अमी उच्च दबाव साधारण लाइनों में रखरखाव का कार्य कार्यालय सहायक अभियंता टीएलएम उप संभाग मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड छिंदवाड़ा कार्यरत थे। ठेके के अंतर्गत मेसर्स एलाइट इन सभी कर्मचारियों को बिना किसी पूर्व सूचना के दिनांक 30 जून 2022 को कार्य से हटा दिया गया है। अतः इन सभी कर्मचारियों के परिवार का लालन पोषण इन्हीं के हाथ में है। अचानक कार्य से निकाल देने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति अत्यधिक खराब हो चुकी है। कृपया वैधानिक कार्यवाही करें एवं पुनः सभी कर्मचारियों को कार्य पर वापस रखे। संवाददाता नितिन जायसवाल छिंदवाड़ा से। एमपीवी में आउटसोर्सर ठेका कंपनियां काम कर रही हैं, एक है इलाइट बर्ड्स भोपाल की, दूसरी है ब्रिक्स इंडिया पुणे की। इन्होंने अपने अपने कर्मचारियों के साथ अन्याय शुरू कर दिया है। इलाइट बर्ड्स ने तो छिंदवाड़ा के जो हमारे कर्मचारी थे, ठेका कर्मचारी थे, जो अति उच्च दबाव की लाइनों का संधारण का काम करते थे, उनको अभी एक तारीख से नौकरी से निकाल दिया है और उसकी जगह बिहार से कर्मचारी बुलाए गए, रखे गए हैं। इसी तरीके से ब्रिक्स इंडिया कंपनी ने अभी तक न तो अपने कर्मचारियों को ऑफर लेटर दिया, ना आईडी कार्ड दिया, उल्टे उनसे निकालने के नोटिस दिए जा रहे हैं और जिसकी आड़ में वो वसूली कर रहे हैं। ये जो विभाग के अंदर एमपीवी के अंदर जो चल रहा है उसको लेके हम लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और आज एसी साहब को ये सारी स्थितियों से अवगत कराएंगे, कलेक्टर साहब को भी कराएंगे और शाम को कपिलनाथ जी से भी मिलने वाले हैं। ये जो आउटसोर्स ठेका प्रथा है, ये सबसे ज़्यादा शोषणकारी प्रथा है। यह मोदी जी की जो अग्निवीर प्रथा है, जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है, उससे ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ आउटसोर्स ठेका प्रथा में न तो न्यूनतम वेतन है, न ही नौकरी की गारंटी है। कब इनको रखा जाएगा, कब निकाल दिया जाएगा, कौन निकाल देगा, ये अनिश्चितता का माहौल बना रहता है। अभी तक इसी छिंदवाड़ा में अलग अलग विभागों में तमाम सारे आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाला गया, किसी को भी न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है। और मध्य प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन में आज तक कभी संशोधन नहीं किया। 18 साल में जो न्यूनतम वेतन है वो बहुत कम है। हम लोग ये मांग करते हैं कि भाई ये काम करने वाले व्यक्ति को केंद्र के समान न्यूनतम वेतन जो 21,000 है वो मिलना चाहिए। वो इस कानून का भी मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा सहित कहीं पालन नहीं होता। आज हम लोग एक ठेका कर्मचारी हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में धरना देकर, ज्ञापन देकर अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, विरोध दर्ज करा रहे हैं और आने वाले दिनों में हम इस मुद्दे को लेकर एक बड़ा आंदोलन भी विकसित करेंगे, क्योंकि ये सारे विभागों के ठेका कर्मचारियों के साथ, आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। एमपीवी में सबसे ज़्यादा हो रहा है। अभी ये कितने कर्मचारी